हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आज हम बनाएंगे अपने घर में मिक्स वेज सैंडविच, जो कि फुल्ली चीज़ और मेयोनीज़ वाला होने वाला है। तो यहाँ पे हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए थे अपने। एक प्लेट में हमने अपनी पत्ता गोभी चॉप कर ली थी, अनियन चॉप कर लिया था, कैप्सिकम चॉप कर लिया था, टमाटर चॉप कर लिया था। देन यहाँ पे हमने किसान सॉस ली है और मेयोनीज़ ली है वीबा की। तो यहाँ पे अब हम वीबा की मेयोनीज़ इसमें मिक्स कर देंगे। देन यहाँ पे अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद एकदम चीज़ी और क्रिस्पी बनेंगे ये हमारे वाले जो ब्रेड सैंडविच है। और यहाँ पर हमने देखो किसान सॉस भी डाल दी है, अच्छे से इसको ऐड कर लेंगे इसमें काफ़ी अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ना। और जो भी वेजिटेबल्स है आपको ध्यान रखना है कि एकदम फाइन चॉप कर लेना है अपनी वेजिटेबल्स को, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक गोट चीज़ की स्लाइस ली है और उसी का ही पैरी पैरी चीज़ लिया है और स्लाइस वाली चीज़ लिया। और हमारा अमूल का बटर होने वाला है या फिर डिलीशियस का बटर, कोई भी ले सकते हैं आप, है ना, ये तो ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मेयोनीज़ और किसान सॉस अच्छे से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। देन गाइज, इसके ऊपर से आपके पास अगर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आपको इसको डालना है कि नहीं। और बैटर को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से मैंने फिलिंग तैयार कर ली है अपने सैंडविच की इस तरह से। अब ये हमने ब्रेड की स्लाइस ली है, इस पर अपनी जो भी हमने टेक्सचर बनाया था पूरा वो फिल कर लेंगे अपनी फिलिंग को। और इसके ऊपर दोनों साइडेड हमें अपने अच्छे से फिलिंग को फिल कर लेना है ना ब्रेड पे, जिससे बीच में हम अपनी गो चीज़ की स्लाइस रख देंगे तो क्या कहते हैं एकदम चीज़ीएस्ट क्रीमी टेक्सचर आने वाला है इसका, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको खाने में। देखिए इस तरह से ना दोनों साइड आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर लेना है। देन गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ की स्लाइस रख दी है मैंने, और ऊपर से दोनों सैंडविच को हमें कवर कर देना है। और दोनों स्लाइसिस को कवर करने के बाद मैंने पैन पर लगाया था ऑयल और इसको हमने रख दिया है अपने पैन पर। आप इसको बटर से भी टोस्ट कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल ऑयल से भी कर सकते हो। इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे सैंडविच बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा क्रिस्पी और क्रंची वाला सैंडविच बनके तैयार हो गया है। बीच में से कट करके आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होने वाला है। इस तरह से हमने इसको बीच में से कट कर लिया, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा और क्रिस्पी हो चुका है, पता ही चल रहा होगा। और इसको हमने करा चाय के साथ इंजॉय। बाय बाय गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद।